उज्जैन शहर के शिप्रा नदी के रामघाट पर सिंधिया ट्रस्ट की जमीन महल है। हजारों वर्ष पुरानी जहां पर शिप्रा नदी के घाट पर स्थित सिंधिया ट्रस्ट की संपत्ति पर बैठकर उज्जैन में निवास करने वाले पंडित पुजारी यहां पहले पूजा पाठ करवाते थे। बाहर से आने वाले यात्रियों को वही सिंधिया ट्रस्ट की जमीन में ही छोटा मोटा व्यापार व्यवसाय करके गुजर बसर करते थे कुछ लोग, पर अब इन पंडित पुजारी और अन्य लोगों से सिंधिया ट्रस्ट के द्वारा शुल्क लेना शुरू कर दिया गया है, जिसकी रसीद भी दी जा रही है। प्रतिदिन वही सिंधिया ट्रस्ट के शुल्क लेने की प्रथा शुरू होने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने कई प्रकार के आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं सिंधिया ट्रस्ट पर, और राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सिंधिया जी को ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि पहले विधायकों को बेचा और अब पंडित पुजारियों से शुल्क लेना शुरू कर दिया है। गुरुजी बताइए, सिंधिया ट्रस्ट के द्वारा किस प्रकार से अब रसीदें काटी जा रही हैं, किस प्रकार से शुल्क लिया जा रहा है और किस प्रकार से क्या हो रहा है? सिंधिया ट्रस्ट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उन्होंने तो कोई यहाँ ब्राह्मणों को रसीद काटने का प्रावधान नहीं बताया है, क्योंकि उनके पूर्वजों की भी ब्राह्मणों यहाँ पर सेवा और पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कथित लोगों द्वारा गोपाल मंदिर की आड़ के अंदर यहाँ पर अवैध वसूली करते हैं और पंडित पुजारी से कोई 100 की, कोई 200 की, कोई 10 की, 20 की रसीद यहाँ पर रोज नित्य काटी जाती है। और यहाँ पर कोई रसीद की कोई सुविधा भी यहाँ पे दी नहीं जाती है। यहाँ पर हम ही हमारे खर्चे से साफ सफाई वगैरह करवाते हैं। सर, कितने पंडित पुजारियों से जो है सिंधिया ट्रस्ट के नाम से पैसा लेना शुरू हो चुका है और क्या हो रहा है? यहाँ पर कम से कम 50 पंडितों ने जो बाढ़ के कारण यहाँ पर पूजन पाठ करते हैं उनसे भी वसूली करी जाती है। नहीं, उनको रसीदें भी दी जा रही होगी? रसीदें भी दी जा रही है, मेरे पास सभी 50 रसीदें पड़ी हैं। अच्छा, क्या लिखा हुआ उन पर? उन पर ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है सिंधिया ट्रस्ट का, और खाली गोपाल मंदिर ट्रस्ट लिखा हुआ है। अब फिर ये 10 की रसीद काट रहा हूँ और ये देखिए आप सबूत, यहाँ ये 50 रुपये यहाँ पर। नहीं नहीं, ये अभी गुरुजी से 50। यही शर्मा पत्रकार। जिस प्रकार से सिंधिया ट्रस्ट के द्वारा जो ट्रस्ट की भूमि है, ट्रस्ट की संपत्ति है, वहाँ पर राशि लेना शुरू हो चुका है, कहीं 20 रुपये, कहीं 30 रुपये, कहीं 100 रुपये। अब पहले नहीं ली जाती थी, अब ली जा रही है, किस प्रकार से क्या है? अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कफन बेच देंगे, जागो मेरे उज्जैन वासियों, नहीं तो ये सिंधिया जी कालिदा महल और पूरा उज्जैन बेच देंगे। जब से ये भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जब से हाई पैसा करने लग गए हैं, वो विधायक उनको भी बेच मारा, उनने सबको बोली लगा दी उनकी करोड़ों रुपये की। और जो यहाँ पे उज्जैन एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गरीब लोग यहाँ पर अधिकतर रहते हैं, 50 साल जब से मैं देख रहा हूँ, जब से मेरा जन्म हुआ, जब से वहाँ आना जाना निःशुल्क, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और वो उज्जैन की एक धरोहर, एक अच्छी चीज़ है, तो उसमें किस बात का शुल्क ले रहे हो? उसको क्या संरक्षण करने की जरूरत है? क्या उज्जैन के जिला प्रशासन के पास या मध्य प्रदेश सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पुरानी धरोहर को संरक्षित कर सके? गरीब लोग अब कैसे वहाँ पर 50 रुपये 100 रुपये देके वहाँ उसको देखने के लिए जाएँ? तो मैं तो इसकी निंदा करता हूँ, और सिंधिया जी को भी भगवान सद्बुद्धि दे, इसलिए महाकाल भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा ये काम धंधा छोड़ के थोड़ा लोगों की हित की तरफ भी ध्यान दिया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।